मैं इस बहस में सबसे पहले कोरोना के अवस्था के बारे में ही बात शुरू करना चाहूँगी हम लोगों की जानकारी में आई है कि दस अरब रुपये खर्च हुए हैं वो कहाँ रुपया खर्च हुआ है किसके पास क्या है जो स्थानीय जनता जो कोरोना से लड़ रही है स्थानीय सरकार जो कोरोना से लड़ रही है उसको केंद्र ने एक पैसा नहीं दिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय में इसी बीच में काफ़ी सारे ट्रांसफर हुए हैं बड़े उच्च पदस्थ पदाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है ऐसा क्यों हुआ है क्या क्या वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा छिपा के किया जा रहा है जो जनता को नहीं जानना चाहिए और इसलिए पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है इस बारे में निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हमारी मांग रहेगी कि कोरोना के बारे में जिस ढंग से बजट दस अरब खर्च हुआ है उसके बारे में सरकार जानकारी कराए मैं यही भी, भी ये जोड़ना चाहती हूँ सभामुख महोदय कि इस बार का जो बजट आया है कोरोना के नाम पे स्वास्थ्य में बहुत लगानी बहुत सारे परियोजना की बात आई है लेकिन कोरोना से प्रभावित जनता को कैसे राहत देना है और कैसे पुनर्स्थापित करना है उस बारे में यह बजट बिल्कुल मौन है ये सरकार की असंवेदनशीलता ये हरेक दृष्टिकोण से निंदनीय है सभामुख महोदय अब मैं बजट के कुछ थोड़े से बेसिक जिसको बोलते बेसिक स्ट्रक्चर पे आधारभूत संरचना पे मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ कुल बजट चौदह खरब चौहत्तर अरब चौसठ करोड़ चालू तरफ नौ खरब अड़तालीस अरब चौरानवे करोड़ जो कि कुल बजट का 64.4 फोर पॉइंट फोर परसेंट है और पूंजीगत खर्च के तरफ तीन खर्ब बावन अरब इक्यानबे करोड़ यही तथ्यांक अपने आप में पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि बजट बिल्कुल आधारभूत रूप में ही यह बजट त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यहां पर जहां पर चालू चालू खर्च पूंजीगत खर्च से लगभग तीन गुना ज्यादा है वहां पे जनता का विकास क्या होगा ये तो रेगुलर खर्च में वो भी मैं यहां पे क्या कहना चाहूंगी कि राजस्व के द्वारा देश में इस बार अनुमान किया गया है आठ खरब उन नवासी करोड़ बहत्तर नवासी अरब बहत्तर करोड़ राजस्व से जितना पैसा संकलन रकम संकलन होने जा रहा है उससे भी ज़्यादा चालू तरफ में चालू बजट में पैसा विनियोजन हुआ है सरकार की क्या सोच है ऐसा कहीं भी, भी नहीं होता है कोई भी अच्छा बजट जो होता है वह राजस्व से जितनी आय होती है उसी सीमा के अंदर में चालू खर्च को रखा जाता है अब मैं जो दूसरी बात ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ सभामुख महोदय यह वित्तीय व्यवस्थापन के बारे में जिसमें कि एक खरब बहत्तर अरब सेवेंटी नाइन करोड़ नवासी करोड़ प्रदेश के लिए दिया गया है वित्तीय व्यवस्थापन के लिए जिसमें प्रदेश के लिए पचपन अरब उन्नीस करोड़ स्थानीय तह के लिए नब्बे अरब पाँच करोड़ और अगर इसी को ही देखा जाए तो इन दो तथ्यांकों के आधार पर कोई भी स्पष्ट रूप से कह सकता है कि यह बजट संघीयता विरोधी है राजस्व से ही अगर हमारे पास आठ करोड़ पैसे आ रहे हैं सॉरी आठ खरब और हम संघीय और प्रदेश के लिए सिर्फ पचपन अरब और नब्बे अरब पैसा दे रहे हैं इसका मतलब यह बजट बिल्कुल संघीयता को कमजोर करने के लिए है अब मैं सशर्त अनुदान में भी कुछ पैसा रखा गया है लेकिन वहाँ पे जो छत्तीस अरब पैंतीस करोड़ रुपया स्थानीय के लिए एक खरब इकसठ अरब यहाँ पर ये बिल्कुल सरकार इसमें विभेद करेगी जहाँ पे सरकार के अपनी पार्टी के लोग जीते होंगे वहाँ पे ये सशर्त अनुदान जाएगा अन्य लोगों को नहीं जाएगा इस ढंग से बजट में जो विभेद की जो अवस्था है वो इसमें इनग्रेंड है अब मैं थोड़ा सा सभामुख महोदय जाऊंगी ऋण के तरफ ये जो चौदह खरब का जो लगभग पंद्रह खरब का जो बजट है इसमें कहा गया है कि हम राजस्व से आठ खरब और एटी नाइन अरब नवासी या अरब होगा या बहत्तर करोड़ पैसा लिया जाएगा खर मतलब राजस्व से आएगा वैदेशिक अनुदान में साठ अरब बावन करोड़ और जो कम पड़ता है वो कैसे सरकार पूरा करेगी तो कह रहे हैं कि पाँच खरब चौबीस अरब जो कम पड़ता है उसमें वैदेशिक ऋण से दो खरब निन्यानबे करोड़ निन्यानवे अरब पचास करोड़ और आंतरिक ऋण दो खरब पच्चीस अरब के करीब है मुख महोदय मुझको थोड़ा सा मैं समय लूंगी जहाँ पर आ, इतना ज्यादा आंतरिक ऋण सरकार लेगी वहाँ पे निजी क्षेत्र और सामान्य जनता के पास पैसा कहां से जाएगा कहाँ से जनता सुख और समृद्धि के रास्ते पे जाएगी कितना परसेंट ऋण जितना जो जनता पैसा जमा कर रही है बैंक में अगर वो पैसा जनता को ऋण के रूप में नहीं मिलता है इसका मतलब कहीं पे कुछ गंभीर त्रुटि है उसके बाद मैं जुडिसियरी पे आती हूँ सभामुख महोदय यहाँ पे मुद्दा का इतना ज़्यादा दबाव है लेकिन जजेज की संख्या या जुडिशियरी को रिफॉर्म करने के लिए जिस ढंग का एक बजट आना चाहिए उस बारे में यह बजट मौन है अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ज़रूरी बात है सभामुख बहुत है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दो महत्वपूर्ण बातों के बारे पर मेरा ध्यान गया है पहला कि बंकर से निकाल के बैरक में ले जाया जाएगा कहाँ पर ले जाया जाएगा दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ इसको सरकार स्पष्ट करे सेना वही जाती है जहां पे सीमा विवाद होता है चीन के तरफ में 36 हेक्टेयर जगह चीन ने कब्जा करके रखा है क्या सेना का पोस्ट वहां बनाया जाएगा उसके बाद साथ मैं साथ आती हूं। मैं मैं आती हूं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इस बार खुली है बजट में सभा महोदय ये कहा गया है कि एयरबेस बनाया जाएगा सेना के लिए कहाँ पे बनाया जाएगा उसमें मौन है लेकिन मैं समझती हूँ मैं समझ रही हूँ दो तीन साल से निजगढ़ में इस एयर बेस को बनाने की तैयारी है मैं बार बार बोल रही निजगढ़ एयरपोर्ट के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है सत्यता वो नहीं है निजगढ़ को सेना का बेस बनाने की तैयारी हो रही है इसलिए निजगढ़ फास्ट ट्रैक को भी सेना को दिया गया है और पथलिया में उतना बड़ा मिलिट्री का कैंप बनाया गया है सवादय जहाँ पे तीन तरह की सड़कें आके मिलती है उस जगह पर